Hello everyone, my name is Dipankar Roy and I am now pursuing my MBBS first year in Dhuri Medical College. So आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो नीट के एस्पायरेंट हैं उन लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि भैया डेंटल के दौरान आपको कैसे MBBS मिला और आपने कैसे प्रिपरेशन किया था और कैसा था प्रोसीजर, क्या पेनल्टी लगा था, ये सब क्वेरी जानने के लिए आप लोगों ने क्वेश्चंस किया था, मेरे को कमेंट किया था मेरे अर्लियर वीडियोस में, मेरे पोस्ट में. तो सोचा कि आप लोगों को ये वीडियो के जरिए मैं जवाब दे दूं. तो मैं 2022 में डेंटल में एडमिशन लिया था. वन ईयर मैंने डेंटल किया, फिर डेंटल के दौरान मैंने प्रिपरेशन शुरू की और फिर 23 में नीट में सिलेक्शन हो गया और MBBS मिल गया. तो हुआ यूँ था कि मुझे 2022 में ही मिल जाता अगर मैं फास्ट काउंसलिंग में अप्लाई किया होता. मेरा बहुत बड़ा गलती हो गया, मैंने फास्ट काउंसलिंग मिस कर दिया था, मैंने काउंसलिंग में अप्लाई ही नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे कट ऑफ मार्क से ज़्यादा मार्क होते हुए भी मुझे MBBS नहीं मिला. जब मैं सेकेंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया तब तक सारा MBBS सीट फिलअप हो चुका था और सिर्फ डेंटल का सीट था, तो इसलिए डेंटल मिल गया. और फिर सोचा कि थर्ड राउंड में अपग्रेड करवाऊंगा और अपग्रेड करवा के MBBS सीट ले लूँगा. फिर DME से नोटिस आया कि जो लोग फर्स्ट एंड सेकेंड काउंसलिंग में एडमिशन ले चुके हैं वो लोग थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया. फिर जो ये सपना था MBBS में एडमिशन लेने का, वो वहाँ पूरा क्रैश हो गया कि हाँ मेरा तो सपना ख़त्म हो गया, अभी तो कोई रास्ता नहीं है MBBS में एडमिशन लेने का. फिर डेंटल में ही रह गया, फिर डेंटल में ही मैंने पढ़ाई शुरू की. विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द डेंटल स्टूडेंट्स, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब बच्चा मेडिकल के लिए ड्रॉप लेता है तो उसका सपना ऑब्वियसली MBBS ही होता है. हर बच्चे का फर्स्ट प्रायोरिटी MBBS होता है, कोई एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन ये रियलिटी है. ऑब्वियसली मेरा भी सपना था MBBS में एडमिशन लेने का. फिर मैंने डेंटल में फिर एडमिशन लेने के बाद मैंने मतलब नहीं सोचा था कि हाँ नीट की प्रिपरेशन करूँगा बोल के. मैंने सारा बुक्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट वगैरह डेंटल का खरीद लिया. फिर खरीदने के बाद मैं रेगुलर क्लास करने लगा डेंटल का. जो मेरे बैट्समेट्स थे उन लोगों में से बहुत सारे लोग नीट की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, मतलब उन लोगों का भी ड्रीम था ऑब्वियसली MBBS में एडमिशन लेने का. तो फिर उन लोगों में से बहुत सारे लोग नीट में प्रिपरेशन करने, नीट के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया. तो उन लोगों को देख के मैं भी थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गया और मुझे भी लगा हाँ मेरा भी तो सपना था MBBS में एडमिशन लेने का, अगर वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ. तो मैंने भी घर वालों से बात किया, घर वालों से बात करके फिर मैंने भी प्रिपरेशन करना शुरू किया. दो मैंने प्रिपरेशन किया था लेकिन मैंने क्लास मिस नहीं किया था. आई वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट इन डेंटल कॉलेज, तो मैंने रेगुलर क्लास किया. फिर क्लास के बाद प्रैक्टिकल होता था, पूरा दिन तो वही चला जाता था, सुबह 8 बजे से लेकर 3-4 बजे तक पूरा डेंटल का क्लास प्रैक्टिकल. फिर घर में आके फिर प्रोजेक्ट लिखना, फिर असाइनमेंट वगैरह लिखना, उनमें बहुत सारा टाइम चला जाता था. तो नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम टाइम बचता था, तो उनमें मैं रिवीजन करता था, जो पहले पढ़ा हुआ था वो रिवीजन करता था. क्योंकि ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन तो लिया हुआ था PW का, लेकिन मुझे क्लास करने का टाइम नहीं मिल रहा था. तो जो प्रीवियस नोट्स था वो मैं पढ़ता था और ऑनलाइन में सिर्फ मॉक टेस्ट देता था. तो जितना थोड़ा सा टाइम बचता था उनमें से मैं प्रिपरेशन करता था. क्योंकि हम लोगों को वहाँ हॉस्टल नहीं मिला था तो इसलिए हम लोगों को बाहर रहना पड़ा था रेंट में. तो रेंट में रहने के बाद ऑब्वियसली एकेडमिक जो काम था, प्रोजेक्ट वगैरह, कॉलेज जाना, वो सब तो था ही. उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा जैसे खाना बनाना, रूम साफ करना, फिर लॉन्ड्री वगैरह, ये सब करके बहुत ही कम टाइम बचता था. तो जितना हो सके उतना टाइम यूटिलाइज करने की कोशिश करता था, पढ़ता था. क्योंकि डेंटल में भी एग्जाम होता था बहुत फ्रिक्वेंटली, तो उसके लिए भी तो थोड़ा बहुत पढ़ाई करना होता था. तो जितना हो सका मतलब क्लासेस किया, क्योंकि अटेंडेंस की बात था, अगर नीट में ना मिले तो डेंटल में ही तो रहना होगा. क्योंकि ये एश्योरिटी नहीं था कि नीट में मिलेगा ही, तो इसलिए मतलब क्लास करना था कि अगर 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तो वहाँ भी तो एग्जाम देने नहीं मिलेगा. अगर नीट में भी नहीं मिलेगा तो मैं बीच में रह जाऊँगा. तो इसलिए मुझे मतलब दोनों बैलेंस करना था, तो इसलिए मैं रेगुलर क्लास जाता था. डेंटल का क्लास तो रोज करता था लेकिन डेंटल का उतना पढ़ाई नहीं कर पाता था, क्योंकि जो बचा कुछा टाइम रह जाता था उसमें नीट के लिए पढ़ना होता है. तो ऐसे ही करके पढ़ा, दोनों बैलेंस किया. हमारा 2023 में 7 मई को एग्जाम था. मेरा ये हालत हो गया था कि हमारा 7 मई को नीट का एग्जाम था.
और मैंने 6 मई को भी, संडे को एग्जाम था 7 मई को, और मैंने सैटरडे को भी पूरा दिन क्लास किया डिजिटल का। उसके बाद 7 मई को सुबह उठ के मैंने एग्जाम देने गया, तो अटेंडेंस के डर के मारे मेरा ये हालत हो गया था। एग्जाम के, नीट एग्जाम के पहले दिन भी मैंने क्लास किया। इन शॉर्ट मैंने, मेरा प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन सब कुछ मैनेज करके जितना मेरे से हो सका उतना मैंने पढ़ने की कोशिश की, और फाइनली लकीली जो मेरा सपना था इतने सालों का, तो वो फुलफिल हो गया। अल्टीमेटली MBBS सीट मिल गया। आई होप आप लोगों में से भी जो बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, मतलब पार्शियल ड्रॉप लेके कि मतलब एंट्रेंस क्रैक करना, नहीं क्रैक करना ये इम्पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली पॉसिबल है अगर आप मैनेज कर पाओ तो। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपन यू हाउ यू मैनेज इट। तो अल्टीमेटली नीट ट्रिक होने के बाद जो प्रोसीजर था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स तो डेंटल में ले लिया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को हमें निकालना था, फिर उसके लिए हमें पेनाल्टी पे करना होता था। तो 2023 से पहले एक बार भी पेनाल्टी नहीं लिया, लेकिन हमारे बार 2023 में ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पेनल्टी वी हैड टू पे, दैट इज 2 लैक्स। डेंटल सीट को छोड़ने के लिए जो अमाउंट लगा था वो 2 लैक्स का था। किसी तरह मैनेज करके वो 2 लैक्स अरेंज किया और पे किया। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए, निकालने के बाद फाइनली हमारा एडमिशन हो गया। तो आई थिंक वो 2 लैक्स इतना मैटर नहीं करता जितना आपका सेटिस्फेक्शन मैटर करता है, क्योंकि एक ही तो लाइफ है। अगर इसी लाइफ में अगर आप अपने सपने को पूरा नहीं करोगे तो कब करोगे? तो इसलिए जो मन में सेटिस्फेक्शन हुआ वो 2 लैक्स ही गुना ज़्यादा। अल्टीमेटली जो पेनाल्टी था वो वर्थ इट था, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन मिला ना MBBS मिलने के बाद, क्योंकि मेरा बहुत साल मैंने वेस्ट किया नीट के प्रिपरेशन के दौरान, मेरा बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग गया नीट क्रैक करने में। तो अल्टीमेटली जाके फाइनली एट लास्ट मुझे MBBS सीट मिल गया। ऐसे ऐसे मुरमुर के रोलर कोस्टर जर्नी क्रॉस कर कर करके फाइनली एडमिशन हो गया, तो मैं बहुत खुश था। चाहे मुझे पेनाल्टी देना पड़ा फिर भी मुझे इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि अल्टीमेटली जाके जो फाइनल डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँच गया। तो अल्टीमेटली इन शॉर्ट यही मेरा जर्नी था नीट के लिए प्रिपरेशन करने से लेके डेंटल में एडमिशन लेने तक, फिर डेंटल से लेके MBBS में आने तक, यही मेरा इन शॉर्ट जर्नी था, जो मैंने जितना कॉन्साइजली हो सके आप लोगों को बोलने की कोशिश किया। और आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल गया होगा। आई होप जिन लोगों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है और जो लोग इस वीडियो को चाह रहे थे, आई थिंक उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच गया होगा। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।